16 जून को खुलेगा राज, शिवरंजनी का बाबा थामेंगे हाथ। तारीख से पहले शास्त्री प्रवास, जाएंगे अब एकांतवास। बाबा की दुल्हनिया के सपने चकनाचूर, बाबा रहेंगे कोसों दूर। बाबा बागेश्वर धाम सरकार और उनकी कथित तौर पर पत्नी बनने वाली शिवरंजनी तिवारी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने की योजना बनाने वाली शिवरंजनी तिवारी का राज सामने आ चुका है, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या प्लानिंग बना रहे हैं? इस राज से भी पर्दा उठ गया है। जिस 16 जून की तारीख पर धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी ने ऐलान की बात कही थी, अब 16 जून की तारीख से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा खेल कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की बात करने वाली शिवरंजनी तिवारी 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम पहुंचने की बात कह रही थी। वो जो ऐलान करना चाहती हैं, उसके ऐलान पर पूरे देश ही नहीं बल्कि लाखों भक्तों की नजर है। सब सोच रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की शादी का ऐलान होगा। शिवरंजनी भी पूरी तरह से उत्साहित हैं कि वो बाबा की दुल्हनिया बनने वाली हैं। लेकिन अब बाबा का रिएक्शन ही नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री ने तय किया है वो 16 जून को क्या करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के ऐलान के बाद उनके भक्त भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर 16 जून को क्या करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर धाम का ऐलान कोई मामूली नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री के ऐलान से सनसनी मची है। शिवरंजनी तिवारी भी सोच रही हैं कि जब वो बाबा के दरबार पहुंचेंगी तो क्या होगा। बाबा बागेश्वर और शिवरंजनी तिवारी के बीच क्या रिश्ता है, या फिर कोई प्लानिंग के तहत गेम किया जा रहा है? ये सब अब सामने आ चुका है। 16 जून की तारीख भी तय हो गई है, लेकिन 16 जून की तारीख से पहले बाबा बागेश्वर धाम सरकार अब उस लड़की से मिलेंगे या नहीं, इसका भी उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। मौका था मध्य प्रदेश के मंदसौर में कथा का। मंच से उन्होंने कहा कि वो अगले 2 से 3 दिन तक एकांतवास पर रहेंगे। इस दौरान वो हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। ये किताब स्कूल और कॉलेज में फ्री में बांटी जाएगी। लेकिन इस ऐलान में खास बात ये थी कि इस एकांतवास में बाबा जिस तारीख को जाएंगे, उस तारीख का ऐलान होने से शिवरंजनी तिवारी को झटका लगा है। शिवरंजनी ने भी सोचा नहीं होगा कि वो जो प्लानिंग में है उसे धीरेन्द्र शास्त्री आसानी से फेल कर देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का फॉर्मूला है कि 15 जून से 5 दिनों के लिए एकांतवास में जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हालांकि किताब लिखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शिवरंजनी तिवारी को झटका लगा है क्योंकि 16 जून को शिवरंजनी ने बड़े ऐलान की बात कही, लेकिन 15 जून से बाबा बागेश्वर रहेंगे ही नहीं। ऐसे में माजरा अब खुलकर सामने आ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये दांव किसी चालाकी से कम नहीं। अब ना तो ऐलान होगा और ना ही किसी मामले में दबाव होगा, क्योंकि शास्त्री रहेंगे ही नहीं, शिवरंजनी तिवारी का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। दरअसल कुछ दिन पहले शिवरंजनी तिवारी अचानक चित्रकूट पहुंची थी और कहा था कि वो गंगोत्री धाम से पैदल ही जल लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार जा रही हैं। वो प्राणनाथ हैं इसलिए मन की बात को पढ़ लेते हैं। शिवरंजनी तिवारी ने यह भी कहा कि मेरे और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच जो रिश्ता है वो 16 जून को पता चल जाएगा और 16 जून तक का इंतजार करिए। लेकिन अब 16 जून जैसे ही आने को हुई तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने एकांतवास में जाने की योजना बना ली। यानी 15 तारीख को वो चले जाएंगे तो 16 तारीख का राज एक बार फिर से राज ही रह जाएगा और शिवरंजनी तिवारी जो कहना चाहती थी शायद वो अब नहीं कह पाएंगी।